ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये रंडा जो है कि लेके रखा हुआ है। तो दोस्तों ये बोस कंपनी का रंडा मशीन है, तो हमने इसका ब्लेड जो यहाँ पे अभी खोला नहीं है, हमने लगा के रखा हुआ है, देख सकते हैं। तो अभी हम जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये ब्लेड ले लिया है। तो दोस्तों एक रंडा मशीन के अंदर में ये दो ब्लेड रहता है, तो हमने ये दिया। तो दोस्तों इस ब्लेड को दोस्तों धार करते समय जो है इसको धार की तरफ हाफ हल्का सा हाफ राउंड करके बनाना पड़ता है पड़ता है। दोस्तों इस तरह के लकड़ी को सीधा करने से जो है किस तरह से सीधा हुआ कि नहीं पता करने के लिए ये देखते थे स्केल को हम इस तरह से बैठा कर रहेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा लड़की लकड़ी जो है बिल्कुल भी अच्छी तरह से जो है कि हो चुका है, देख सकते हैं पूरा परफेक्ट हमारा फिट। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक इलेक्ट्रिक हैंड प्लेनर रंडा मशीन का जो ब्लेड रहता है वो किस तरह से धार किया जाता है, और धार करने के बाद भी उसको उसको फिर से फिटिंग किस तरह से किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ताकि दोस्तों एक बार ब्लेड जो है फिटिंग करने के बाद उसको फिर दोबारा से खोल के इसको एडजस्ट करना ना पड़े, एक ही बार में जो आपका ब्लेड अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए और उसको रंडा जो अच्छी तरह से मार सके। तो चलिए आज मैं आपको उसी के बारे में जो वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग इस तरह से अगर घर पे छोटा मोटा कुछ भी काम करते हैं, तो अगर इसी तरह से अगर आप लोग इलेक्ट्रिक रंडा मशीन लेके आते हैं तो खुद से आसानी से आप धार करके जो है किसी भी काम पे अपना रंडा मार सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमने कौन सा वाला रंडा मिले लेके रखा हुआ है जो धार करने के लिए। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये रंडा जो है कि लेके रखा हुआ है। तो दोस्तों ये बोस कंपनी का रंडा मशीन है, तो हमने इसका ब्लेड जो यहाँ पे अभी खोला नहीं है, हमने लगा के रखा हुआ है, देख सकते हैं। तो अभी हमारा ब्लेड दूसरा है, हम उसको हम जो है कि धार करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग भी करने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका ब्लेड जो ये सही तरह से फिटिंग नहीं हो पाता है, तो अगर एक साइड ऊपर नीचे होता है तो आपको जो है कि रंडा मारते समय प्रॉब्लम हो सकता है। तो अच्छी तरह से आपको लकड़ी जो है कि वो सीधा नहीं होगा, तो लकड़ी पे रंडा मारते समय एक लाइन बैठ जाएगा, तो इसलिए तो चलिए मैं आपको इसको अच्छी तरह से धार करके फिटिंग करने का भी वो जो है कि दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हमने ये ब्लेड ले लिया है। तो दोस्तों एक रंडा मशीन के अंदर में ये दो ब्लेड रहता है, तो हमने ये पुराना नया ब्लेड तो नहीं है दोस्तों, हमने पुराना ब्लेड ही लेके लिया हुआ है, नया ब्लेड हमारा नहीं है क्योंकि हमने अभी नया ब्लेड लिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम पुराना ब्लेड आपको दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारे ये एक्स्ट्रा पावर कंपनी का ब्लेड है, तो ये वाला ब्लेड ही दोस्तों अच्छा होता है चला यूज़ करने के लिए। तो ये इसका इसका जो धार करने के बाद जो इसका धार जल्दी से ख़त्म नहीं होता है, तो काफ़ी समय तक रहता है। तो अब चलिए इसका हम धार करने का शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने ये यहाँ पर देख सकते हैं पानी में हमने ये पत्थर जो है कि डुबो के रखा हुआ है, तो आप चलिए इसी पत्थर से हम धार करने वाला हूँ। तो चलिए बने रहे वीडियो भी आप लोग भी। तो दोस्तों हमारा ब्लेड से इस पर लगाकर जो है कि धार करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से देखिए लगा कर हम इसके नॉट इसके पीछे पीछे तरफ में इसके नॉट है, तो इसको हम लगा के टाइट करेंगे। तो दोस्तों एक ही साथ में दो ब्लेड भी लगाकर धार कर सकते हैं, तो दो एक से पहले छोड़ के जैसे इस जगह पर लगने वाला इस तरह से, तो मैं दो एक साथ नहीं करूँगा, एक एक साथ ही करूँगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फाइनली एक ब्लेड को जो है हमने धार करके फाइनली कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों इस ब्लेड को दोस्तों धार करते समय जो है इसको धार की तरफ हाफ हल्का सा हाफ राउंड करके बनाना पड़ता है, तभी दोस्तों अच्छी तरह से जो है कि रंडा मार सकते हैं। अगर ये ब्लेड अगर आपका बराबर पूरा सीधा रहेंगे ना, तो जो है कि रंडा मारते हैं थोड़ा सा वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए दो दो साइड पर हल्का सा डाउन होना चाहिए।
बीच में थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, यानी कि हाफ राउंड शेप में बनाना चाहिए, ताकि जो डंडा मारने के लिए आसान होता है और अच्छी तरह से जो कि फिनिशिंग हो पाता है। तो अब चलिए दोस्तों, ये दूसरा वाला ब्लेड है, इसको भी हम धार करके करते हैं कंप्लीट, फिर उसके बाद आपको हम फिटिंग करके भी दिखाते हैं कि किस तरह से फिटिंग किया जाता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो कि दोनों ब्लेड को जो है धार करके हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों इस ब्लेड को जो धार करने में कंप्लीट एक घंटा का समय लग जाता है करीबन, तो क्योंकि दोस्तों इसको अच्छी तरह से धार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड रहता है इसको धार करने में, तो इसलिए एक घंटा का समय लग जाता है। तो चलिए आप हमारा धार करके तो हो चुका है कम्प्लीट, आप इसको फिटिंग करने का काम करते हैं। दोस्तों हम जो है इसको खोलने के लिए, ये रहा इसको खोलने वाला है इसको ड्राइवर, तो इसके लिए इसके साथ में मिलता है, तो ये मशीन जब खाते तो इसके साथ में जाते ये इसको ड्राइवर से मिल जाता है। तो ये इस तरह से खोल देंगे, तीन स्क्रू रहता है एक प्लेट में, तो ये देखिए इसका खुल चुका है, ये है इसका, अब ये रहा प्लेट, तो ये चीज़ को खोल के फिर दूसरा ब्लेड लगाना पड़ेगा। हम फिर दोनों ब्लेड से पहले खोल लेते हैं, तो एक मशीन पे दो ब्लेड लगाया जाता है, तो दोस्तों हमारा ब्लेड खुल चुका है, तो इसको जो है इसको यहाँ पर लगाकर, ये इसका साथ में आता है, ये भी इसको यहाँ पर लगकर एडजस्ट किया जाता है ब्लेड को जो है, कभी इसको छोटा सा इसको रहता है, हम खोल लेते हैं, ब्लेड हमने निकाल लिया। अब ये मेरा दोस्त ने जो धाते वाला ब्लेड था उसको यहाँ पे लगा लेते हैं, इस तरह से लगा के देखिए ये इसको यहाँ पे टाइट कर लेते हैं इस तरह से। इसको जो है दोस्तों ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, हल्का सा टाइट करके रखेंगे, अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो फिर आपको जो है कि बाद में मशीन के अंदर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम इसको हल्का सा टाइट करके रखेंगे। दोस्तों हमारा ब्लेड दोनों जो कि फिटिंग हो गया है, और चलिए काम मशीन पे लगा के टाइट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे असल चीज़ दोस्तों इसी पर जो टाइट अच्छी तरह से इसको सेटिंग करके टाइट करना पड़ता है, अगर इसको अच्छी तरह से सेटिंग करके टाइट नहीं करेंगे ना, तो आपका जो लकड़ी डंडा मारते समय अच्छी तरह से नहीं होगा, और फिर एक टाइट ब्लेड अगर ज़्यादा निकल जाता है तो उसका लकड़ी पे एक लाइन रह जाएगा। तो हमने अभी ज़्यादा टाइट नहीं किया, तभी इसका हम एक स्केल कहते हैं दुनिया, तो इसका हम इस तरह से बैठा के देखिए ब्लेड को उठा के देखेंगे इसका बराबर है कि नहीं। तो दोस्तों ये ब्लेड को ये उठाते हैं, या फिर इसके पे लगना नहीं चाहिए, तो ये देख सकते हल्का सा लग रहा है, देख सकते हैं। तो हम इसको जो है कि इसके लाद में हल्का सा मारेंगे, इसके धार पे नहीं मारेंगे, इसके ब्लेड साइड पे मारेंगे हल्का सा, ये चीज़ आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना, हल्का सा टाइट करना, क्योंकि ब्लेड को आगे करना थोड़ा सा। तो आप देख सकते दोस्तों हमारा ब्लेड बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, हल्का सा लग रहा है, मार दीजिएगा हल्का सा, तो देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इस पर इस साइड थोड़ा सा लग रहा है। तो दोस्तों हमारा ब्लेड अभी देखिए देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो हम इसको जो है टाइट कर देंगे। एक बार चेक करके देखते हैं लग रहा है कि नहीं, दोस्तों हल्का सा लग रहा है, तो टाइट करते हैं फिर थोड़ा सा हो जाता है, फिर हम दोस्तों की जाएगी हल्का सा मार देंगे। ये हो चुका है, दोस्तों हमारे ब्लेड पर फिट हो चुका है फिटिंग बॉक्स का, इसके तीनों स्क्रू जो लगाना टाइट कर, तो
और इसके दूसरे वाले प्लेट है वो भी लगा देने के लिए। तो इसको भी सेम चेक करना पड़ेगा। पहले हम दोनों दो साइड का प्लेट इसको लगाएंगे, बीच वाले इसको भी लगाएंगे, क्योंकि हमें चेक करना है हम लोग साइड वाला इसको भी लगाएंगे। इसको भी हम चेक कर लेते हैं सही तरह से टाइट हुआ कि सही तरह से एडजस्ट होते नहीं, इसको हम चेक करेंगे। ये भी बिल्कुल लग रहा है, मेरा ये भी हो गया है। चलिए काट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों बिल्कुल भी नहीं लग रहा, हमारा परफेक्ट एडजस्ट हो चुका है। तो आप चलिए हम आपको ये सारे इसको काट करके देखते हैं, आपको हम रंडा मार के भी दिखाने वाले हैं कि रंडा मारने बाद ये किस तरह से होता है। चलिए हमारा तो टाइट करके हो चुका है, फिर एक बार चेक कर लेते हैं। देख सकते दोस्तों बिल्कुल भी नहीं लग रहा, देख सकते रंडा। दोस्तों हमने ये एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है, तो चलिए हम इसको रंडा मार के तो जैसे आप देख सकते हैं हमने फाइनली राना मार के पूरी तरह से बराबर कर लिया। तो दोस्तों इस तरह के लकड़ी को सीधा करने से जो है किस तरह से सीधा हुआ कि नहीं पता करने के लिए ये देखते थे स्केल को हम इस तरह से बैठा कर रहेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा लकड़ी जो है बिल्कुल भी अच्छी तरह से जो है कि हो चुका है। देख सकते पूरा परफेक्ट हमारा फिटिंग हो गया, देख सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों ब्लेड अच्छी तरह से अगर आप बना धार करके सही तरह से एडजस्ट करते हैं तो इसी तरह से जो है कि फट्टा एक ही बार में सीधा हो जाएगा, वरना आपको बार बार रन्ना मार के इसको एडजस्ट करते रहना पड़ेगा, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो है कि हो सकता है। दोस्तों मैंने जो है कि इलेक्ट्रिक हैंड प्लेनर मशीन का ब्लेड जो धार किया और उसके बाद हमने फिटिंग करके उसके बाद हमने रन्ना भी मार के आप लोगों को दिखा दिया। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये जो तरीका कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।